असोसिएट स्पॉन्सर सच्ची सहेली महिलांको औषध ओ टॉनिक। नमस्कार सते सकाळ को स्वागत करछु मु जनमय। नमस्कार समस्तंको सतेज भरा नमस्कार। पुणि थरे आउ गोटे फ्रेश एपिसोड सतेज सकाळ रो समस्तंको स्वागत। चिन्मयी प्रथमे कौन सब प्रमुख खबर रही विभिन्न संवादपत्र से संपर्क में आलोचना करिबा तापर आम रिपोर्टर पाखु जिबा। तबे जदि देखिबा आज समस्त खबर कागज प्राय कोविड एवं विधानसभा संपर्कित खबर नहीं नंद सार परलोक निहाती एक दुखद समाचार समस्त यह प्रमुखतार सहित नहीं। सेपर जदि देखा वर्तमान गड़खाई रु दल काढ़ वर्ष लगी से संपर्क में आलोचना करवा। सेपर देखा ओडिशा श्रेष्ठ राज्य होदि पर्यटन पसंद कथा देखा जाए निहाती गोटे भल खबर खासकर मयूरभंज गोटे खुशी खबर जे मयूरभंज को भी समस्त पसंद करु प्राय समस्ते पद्मश्री नंद सार देहांत कथा को प्रमुखतार सहित नहीं। देखा परलोक सतायु गुरु पद्मश्री नंद सार को कोविड्रे परलोक यह खबर समस्ते प्राय प्रमुखतार सह नहींपर जब देखा संसद में मोदी चेतावनी निजे बदली जातु नचे व्यवस्था बदल ए संपर्कित खबर आम सहित आलोचना करेंगे। आम रिपोर्टर मैंने आम सहित जोड़ी हेपर कोविड प्रसंगे विभिन्न खबर कागज निजर प्रमुखतार सहित नहीं। माइक्रो लेवल रे विदेश फेरता ठाब प्रचेषा ए संपर्कित खबर रही चिन्मय। तबे प्रथमे चिन्मय क्यों खबर निश्चित भाव में कमलाकांत प्रथम खबर हिसाब से आम जी जाऊँ कामरे आसुनी 38 कोटी विद्युत ग्रेड ये खबर टी आसुची पिपिली अंचल जे पिपिली और सत्यवादी अंचल लक्षाधिक विद्युत उपभोक्ता दीर्घ 35 वर्ष विद्युत समस्या दूर करने पिपिली मंगलपुर निकट ठंठना ठारे ग्रेड निर्माण होई 132/33 केवी विद्युत ग्रिड अद्यावधि लोकों सेवे लगिपारिना दीर्घ 1.5 वर्ष तलु कार्यक्षम होता ग्रिड को जड़े उपभोक्ता उपकृत हो पारिना जो महत लक्ष्य नहीं 38 कोटी टंका व्ययरे ग्रिड प्रतिष्ठा करार सफल रूपायन आज पर्यंत होना राजनीतिक इच्छाशक्तिर अभाव सरकारी उदासीनता और विभाग अवहेला जुगे एजावत पिपिली विद्युत सब डिविजन को ग्रिड्रु 33 केवी विद्युत संजोग हो पार अभोग जहाँ बड़धरण जन आंदोलन मुंड टेकुवा सूचना आसूरी ए बाबद आलोचना करवा आम प्रतिनिधि आम सहित जोड़ी होती कालुचरण जोड़ी होती कालु बास्तविक भाव में एत कोटी टंका खर्च करागला ग्रिड निर्माण है कि आज पर्यंत कहीं उपभोक्ता मैंने यार लाभ उठाई पार ना कहीं से जहाँ आसुची सूचना जे 33 के भी विद्युत संजोग हो पारे असुविधा के रहा परे पाखापाखि 38 कोटी टंका जो ग्रेड टी निर्माण कराई मंगलपुर निकटस्थ ठन ठन जगार से पाखापाखि से ग्रेड टे सत्यवादी ब्लक पिपिली ब्लक एपरिक बलंगा अंचल लोकों उपभोक्ता से निर्माण उद्देश्य निर्माण कराइला किंतु जदि सूचना देवाक चाहे 2012 मसीह तत्कालीन विधायक जैसे स्वर्गत प्रदीप महारती उद्यम ही कार्य कराइला कितु वर्तमान सुधा भी से कार्य विद्युत संजोग कराई ग्रिड रे किंतु ताहा 33 केवी अर्थात जो अंचल गाँव को इलेक्शन माने कहुपर जिते इलेक्ट्रिक संजोग हवा कथा जो 33 केवी रु से वर्तमान आज पर्यंत संजोग हो पाने जहाँ कि नहीं कि अंचल लोकों मध्य क्योंकि क्योंकि गोटे प्रकार असंतोष तीव्र होगा लगुच जन आंदोलन को धीरे धीरे मुंड टेकवा लगी समस्या हूँ एत निमापड़ा अंचल वर्तमान यदि कह पिपिली अंचल निमापड़ा अंचल विद्युत संजोग कर जो निमापड़ा अंचल सब डिजन विद्युत पिपिली अंचल को आसी से अनेक नदी नाल दे आसी बात्या हो कि बनिया हो अनेक समय विद्युत विच्छिन्न होता है जहाँकि मरामती करने विद्युत विभाग अनेक आर्थिकर पाठ होता है यही समस्या को दृष्टि रखिक स्थानीय लोकों बारंबार दाबी पर तत्कालीन विधायक जी प्रदीप महारती से उद्देश्य कार्य करते जो कि विद्युत सब डिजन डिग्री से स्थापन कराइला कितु कहुच्छे दीर्घ 2 वर्ष हे ता ओपीटीसीएल को हस्तांतर करा किंतु से वर्तमान आज पर्यंत जो 33 केवी बा पिपिली सत्यवादी बंगा ए अंचल जो 33 केवी कनेक्शन गुड़ाक रही से गुड़िक से जो ग्रेड टी को संजोग करा जाऊ ना जहाँ कि नहीं कहु गोटे बड़ समस्या तेज ओपीटीसीएल कहुच्छे अधिकारी मनमुखी कार्य अर्थात अवहेला कार्य एवं अन्य पक्ष गोटे बड़ प्रश्न सृष्टि होती है राजनैतिक इच्छाशक्ति अभाव कारण कहीं ना आम कह राजनीति कथा उठू प्रश्न उठू लोकों दाबी हो गोटे कथा जब
प्रदीप महारती देहांत पर रुद्रप्रताप महारती निर्वाचित होते विधायक होते परवर्त समय प्रतिश्रुति जो समस्या जहाँ विशेष भाव में यही जो ग्रिड टी स्थापन कर थन थन जगह जो स्थापन करा विधायकों रुद्रप्रताप महारती मुख्य उद्देश्य था तुरंत से संजोग करापाई कि दीर्घ विधायक हमारे पाखापाखि तीन मस चार बीतला कि दिग पर से दिन समीक्षा करना कि लोकों सहित आलोचना करना तेब ये बड़ प्रश्न सृष्टि होती बोध हुए राजनीतिर इच्छाशक्ति अभाव अधिकारी मनमानी कार्य अर्थात अवहेला कार्य आज जहाँ कि साधारण लोक हंतसंत हो पड़ी दीर्घ घंटा घंटा धरिकी विद्युत विच्छिन्न हो जाए विद्युत काट हो जहाँकि पिपिल और सत्यवादी बलंगा अंचल लोक मैंने नाही नथिबा कलबल होती दृष्टि रखी तो 2012 मसीह कार्य करा विधायक स्वर्गत विधायक प्रदीप महारती कार्य निर्देश देते किंतु क्योंटि ना क्योंटि विधायकों स्वर्गत विधायकों स्वप्न आज भी क्योंटि ना क्योंटि से ही स्वप्न हो रही जाती वास्तव रूपरेख नहीं पाँना एथपाई कारण जिते अधिकारी कार्य क्योंटि ना क्योंटि अवहेला करो 33 केवी संजोग गुड़िक जो पिपिली और सत्यवादी बलंगा अंचल जो 33 केवी संजोग सठिक भाव में कार्य जेहतु कराऊना 33 केवी खुंटी पोता जाऊना तार जोगा तार बिछा जाऊना जहाँफल कि यह समस्या देखा देखिए ये समस्या तुरंत समाधान न हुए चिन्ह तेज आगामी दिन में सत्यवादी बहंगा पिपिली अंचल लोकों मध्य जेहतु जहाँ कहु असंतोष दाना बांधि आगामी दिन में आंदोलन करोटी टाइम कोटी टाइम खर्च करागला जो मान स्वार्थपाई जदि से उपकृत नहे निश्चिंत भाव में लोकों मनरे आंदोलन सृष्टि हे एवं लोक खबर प्रकाश करेंगे आशा करवा विभाग कर्तृपक्ष तुरंत या पर दृष्टि दिंतु एवं जिला प्रशासन केमती है जो ग्रिड निर्माण करमी विद्युत संजोग करमी लोकों काम से नहीं कि पदक्षेप नि बहुत बहुत धन्यवाद कालु आपंकर तमाम सूचना चिन्ह एवं कोविड संपर्कित खबर पर आलोचना करवा देखा सारा विश्व वर्तमान नुआ जो वेरिएंट रही ओमिक्रॉन ताकु नहीं कि चिंता रही केवल भारत नुहे ओडिशार मध्य चिंतार वर्तमान रही तबे चिंतार कारण रही किंतु यह सहित आश्वस्त कथा हो जो मैंने विशेषज्ञ मैंने रही कहते जे यही वेरिएंट सेतेटा विपज्जनक नुहे यह अधिक संक्रमण कराऊ कि हॉस्पिटल लोकों भर्ती संख्या बा मृत्यु संख्या बढ़ू ना यहाँ पूरा विश्वर तथ्य जोटा कि सामान्य आश्वस्ति देखिए कितु तार भितर चिंतार कथा जो मैंने प्राय विदेश फेरता रही ठाब कर गोटे चिंताजनक कथा लज्जाजनक कथा कह कारण जदि पाठशाठ पढ़ी एभली भाव सरकार को सहयोग न करे तेब निहाती भाव में आगक चिंता बढ़ाई पारती विदेश फेरता मैंने अधिक आलोचना करवा भुवनेश्वर आम प्रतिनिधि कविता स्वयं जोड़ सारी कविता आम देखुले जे ए रिपोर्ट चिंताजनक थिला कारण पॉजिटिव बाहर एवं ठिकना भूल देउछंती सेमानंकु खोजिबारे राज्य सरकार एवं स्वास्थ्य विभाग विफल होउछंती निहाती भाव में कमलाकान जदि कह कोविड पर वर्तमान चिंता बढ़ाई ओमिक्रॉन एवं ओडिशा रे जदियो ओमिक्रॉन चिन्ह संक्रमित चिन्हट होना किंतु सरकार कहते सतर्कता अवलम्बन करूँ सतर्क रुहतु एवं जदि कह कि जहाँ स्वास्थ्य निर्देशक सूचना गत काली मिली कि जो भाई भाव तथ्य मिलूना वर्तमान 40% विदेश फेरता तथ्य वर्तमान सरकार को पाखरे ना जो कि जिला स्तर रे गोटे जो माइक्रो लेवल रो जांच प्रक्रिया आरंभ हो सबू जिले में कमी सब जिले में जो मैंने विदेश फेरी कौन हो संपर्क में अधिक तथ्य जानापी माइक्रो लेवल रो प्रोसेस आरंभ हो जहाद्वारा कि तथ्य जनापड़ एवं जहाँ कहते डीएमटी कहते कि यार संक्रमित प्रभाव विशेष नहीं एवं जदि कह संक्रमित संख्या बढ़ी पारे किंतु प्रभाव विशेष देखा मिल पारे एवं जदि कह जो जीनोम सिक्वेंसिंग माध्यम 246 जांच जो नमूना जांच पाई पठा जाइछि जहार तथ्य मध्य आसिबो शुक्रवार आसिला परे ओडिशा रे केते जने संक्रमित होती ताहार तथ्य सरकार आसी पार एवं जदि कह अन्य पक्ष रे कि जो संक्रमित रही कोविड संक्रमित संख्या मध्य दिन को दिन बढ़ुची जदि गत दुई दिन कथा कह तीन दिन कथा कहे 100 भितर ही रोला एवं टी संक्रमित संख्या बढ़ी जदि कह 0.2% पूर्व रही बेले एवं बर्तमान 0.32% देखा दुई दिन तले 100 पाखापाखि आसी जाइला जो दैनिक संक्रमण संख्या तबे सेटा एबे वर्तमान बढ़ुची लोकल खास करके लोकल कांटेक्ट केस टिके मात्रा रे बढ़ुवा देखा मिलूँ
निहाति भाबरे जेमते कि पूर्वर जदि कहिबा कि 0.2% थिला बेले एबे 0.32% वृद्धि पाइछि एवं 151 रे पहुचिछि कोविड संक्रमितक संख्या एवं जदि कहबा खोर्धा रे ही सर्वाधिक रहिछि 63 जण संक्रमित होइछन्ते बा संक्रमित जहा सामना को आसुछि खोर्धा रे जहा पई सतर्कता अवलंबन रहिछि किंतु जदि कहबा लोक माने वर्तमान पर्यंत भी सचेतन नुहेंती काहेकिना से जो मास्क पिंधिबा ढंग रे हो बा सामाजिक दूरता अवलंबन करबा कथा होंतु बा कटकणा जो जहा रहितला पूर्वरु ताहा उठाई देबरु लोक माने अमान्य होउछन्ती बा लोक माने नियम मानु नहंती बोल कहि परबा आमे कमला बिल्कुल कविता वर्तमान समस्त चिंता एवं प्रशासन सबुठ बड़ चैलेंज रो ओमिक्रॉन वेरिएंट जो वर्तमान देश में देखा देखी वास्तविक भाव में वर्तमान जो माने संक्रमित होती से पाखरे ये कौन लक्षण देखा जाऊँगी ये कौ वेरिएंट ये सब को लेकिन केमती मुकाबला कर प्रशासन चैलेंज रु आशा करवा लोक प्रथम सुरक्षित रुंतु सचेतन रुंतु बहुत बहुत धन्यवाद कविता आपंकर तमाम सूचना तेज कमलाकांत परवर्त खबर रही जे समस्त को गत कालीर जो खबर आसला समस्त को स्तब्ध करितिला जे पद्मश्री नंदपृष्टि परलोक होता जहाँ को लेकिन खूब चर्चा होता जातीय गणमाध्यम आप जानते जे गोटे चाटशाड़ी खोली जो चाटशाड़ी से पिला पाठ पढ़ाऊ चारि कांथ ना गूल पिला शिक्षादान करुले आउ 104 वर्ष बयस उत्साह था उद्दीपना था मनरे जो सी समस्त पाखे नंद सार बोली निजर परिचय सृष्टि करते आप जानते नवेम्बर 9 राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद पद्मश्री उपाधि सम्मानित करते जहाँ नवेम्बर 29 नंद सार असुस्थ होबारु प्रथम गोष्ठी सुकिंदार जो गोष्ठी स्वास्थ्यकेंद्र रही से भर्ती करतापर कोविड आक्रांत होगा जनापड़ापर ताक जिला प्रशासन सहायतार टाटा मेडिका कोविड हॉस्पिटल को निया भुवनेश्वर एक घर हॉस्पिटल रखागला जोठी की तांकर गत काली परलोक होता और जो पूरा सारा देश स्तब्ध होता जे जड़े एत बड़ महान पुरुष को आम हर कारण तांकर अवदान अतुलनीय एवं अवर्णनीय कमलाकांत बाबद आलोचना करवा आम सहित जोड़ी होती आम प्रतिनिधि परमेश्वर बेउरिया जोड़ी होती परमेश्वर वर्तमान जी जानापी चाहिए नंद सार जो अवदान रही ये अवदान को कहीं भूली पारे ना जन्ममाटी आज केमती रही देखंतु जदि आम कहीपर पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त गुरु नंद पृष्टि जी केवल जड़े शिक्षक नथिले से जड़े उत्कृष्ट समाजसेवी दीर्घ 75 वर्ष धरी निरंतर भाव में जो समाज सेवा रही शिक्षा क्षेत्र में जो अवदान थिला बिना टंकाटिए न नेकी गाँवर पिला किपर शिक्षित करेंगे और निरक्षर कहीं रे समस्ते स्वाक्षर हेबे आई टीपचिन्ह देवेनि जो गोटे आशा था दीर्घ 75 वर्ष धरिकी से निरंतर भाव में जोगे आसुले जहाँ को लेकिन आप जानते राष्ट्रपति भवन ने राष्ट्रपति सम्मान ने गत मास 9 तारीख रे पद्मश्री पुरस्कार दि जाइला हेले सबुठ बड़ कथा है गत काली जो गोटे स्तब्ध कर देता केवल जाजपुरवासी नुहे समग्र भारतवासी को जे तांकर परलोक खबर 104 वर्ष रे से परलोक होता एवं गोटे प्रकार जाजपुर जिला जी कथा कह पूरा गोटे प्रकार स्तब्ध हो जाते समस्त आखिरे लुह रही गत काली जेहेतु तांको कोविड होता और कोविड कटकणा मध्य प्रशासन पक्षर बैतरणी नदी कूल बारुणी महाश्मशान ने जिते अंतिम संस्कार करा आमे देखिथिलु जे लोक भितर किपर भाव बोलूला अनेक समाजसेवी अनेक सामाजिक अनुष्ठान आसिक पहुँचे हेले नंद सार को जेहेतु करोनार आक्रांत थिले पाक हुए तो कई जापार नथिले किंतु प्रशासन पक्षर गार्ड अफ अनर दि जाइला और समस्त व्यवस्था कर गुरुत्वपूर्ण कथा हे पखापाखि जिते सामाजिक अनुष्ठान रही समस्त कर्मकर्ता रही से आसिक उपस्थित थे जो प्रकार भाव में निरंतर भाव में सेवा जोगे आसते पिला गोटे प्रकार शिक्षा प्रदान करुले समस्त मन एवं से जो चाटशाड़ी थी सुकिंदा गाँव में जो चाटशाड़ी थी लिंब गच मूल जो दीर्घ वर्ष 75 वर्ष धरिकी से शिक्षादान करुले कौटि ना कौटि समाज सेवार गोटे निकृष्ट सेवा नंद सारे से जगह भी झुरुची केवल जाजपुर जिला कि ओडिशा नुहे प्रधानमंत्री राज्यपाल मुख्यमंत्री समस्ते शोक व्यक्त कर व्यक्तिगत भाव जानते जो मैंने कथा जानते समस्ते आज झुरुंच
एक महान आत्मा वर्तमान तांकर सद्गति समस्ते कामना करुछन्ति। बहुत बहुत धन्यवाद परमेश्वर थिले अधिक आलोचना करुथिले आम सहित पद्मश्री नंद सार को वियोग संपर्क रे। तबे चिन्मय आगो को मध्य खबर जारी रहिबो। तबे समय गोटे छोट ब्रेक रो ते कमलाकांत ब्रेक पर स्वागत करबा एवं आहुरी अनेक गुडे गुरुत्वपूर्ण खबर रहिछि जहां पर हम आलोचना करबा जे गृह रे अनुपस्थिति नै सांसद को मोदी को चेतावनी जे निजे बदली जांतु नचेत व्यवस्था बदलिबो जहां खबर प्रकाश पाइछि जे संसद रे उपस्थान प्रसंग रे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सांसद मानंकु चेतावनी सुनाइछन्ति। अधिवेशन समय रे सांसद माने अनुपस्थित रहिबार अभ्यास छाड़ी नियमित उपस्थित रहिबाकु उद्यम करंतु एवं एने निजे बदली जांतु नचेत सरकार आईन बदलाइबाकु बाध्य हेबे बोली प्रधानमंत्री कहिछन्ति। पिला मानंकु बारंबार विद्यालय रे अनुपस्थित रहिबा नै चेतावनी देबाकु पड़े नाही जहां सांसद मानंकु क्षेत्र रे लक्ष्य करा जाउछि सेमाने एपरि अभ्यास न छाड़िले व्यवस्था रे परिवर्तन अणाजिबो बोली प्रधानमंत्री बीजेपी संसदीय दल बैठक रे स्पष्ट करिछन्ति। लोकसभा रे सांसद माने अधिक समय एमिति कि गुरुत्वपूर्ण आलोचना समय रे अनुपस्थित रहुतिबारु राज्यसभा रे मध्य यहा लक्ष्य करा जाय। गत 2 वर्ष मध्य रे एठारे हाराहारी 78% सांसद उपस्थित रहुथिबा अनुधान रु जणा पडिछे। ए बाबद रे आलोचना करबा हम सहित जोडी होछन्ति दिल्ली प्रतिनिधि गगन विश्वाल जोडी होछन्ति। गगन आशा करा जिवो कि यदि पूरा 100 रु 78% सांसद माने उपस्थित रहिबे वास्तविक भाव रे से अंचल रो विकास हम केमिति जोति पई कि प्रधानमंत्री गोटे चेतावनी दउछन्ति सांसद मानंकु जे निजर अभ्यास परिवर्तन करंतु या द्वारा किछि परिवर्तन आसिबो कि देखो चिन्मय निश्चित भाव ये मेसेज द्वारा अनेक परिवर्तन आसिबो बोली भावुचि कहीं आम देखीचु पूर्व जो रेकर्ड थी आम देखीचु अनेक समय 60% 50% पर्यंत सांसद माने अनुपस्थित रहते अनेक समय देखा जाती कांग्रेस कथा कहतु अनेक आंचलिक दल कथा कहतु व्हिप जारी करा जाइछि तापरे मध्य सांसद माने अनुपस्थित रहिछन्ति तेनो श्रृंखलागत कार्यानुष्ठान कोटि ना कोटि गोटे अभाव एथिरु परिलक्षित होउछि से बीजेपी हो से बीजेडी हो बा बीजेपी हो बा किबा अनेक आंचलिक दल होंतु अनेक समय देखा जाइछि व्हिप जारी कला पले मध्य समानकर सांसद अनुपस्थित रहुछन्ति किंतु सेभळी कोनोसी दृष्टांतमूलक बा श्रृंखलागत जो कार्यानुष्ठान रहिछि ता सांसद मानक क्षेत्र रे निया जाउ नाही जहाँफलरे वर्तमान कोठ ना कोठी टिके खामखियाली मनोभाव समस्ते मनोउछति बा सांसद माने अनुपस्थित रहउछन्ते एवं अनेक समय देखिबे किछि व्यक्तिगत कारण पई सेमाने अनुपस्थित रहउछन्ति कहिना देखिबे पार्लियामेंट सेशन जेतले चालुछि मासे बा 20-25 दिन पई चालुछि अनेक समय आमे देखियौ बजेट सेशन को छाड़ी देले मौसुमी अधिवेशन कथा कहुँतु बा शीत अधिवेशन कहुँतु जार टाइमिंग पीरियड बहुत कम थाए तेणु से समय भितर सांसद मानक अनेक प्रकार खर्च बहन पाई अर्थ मिलू से फ्लाइट टिकेट कथा कहतु बासभवन खर्च कथा कहतु से पर्सनाल आसीस्टाट कथा कहतु अनेक प्रकार खर्च सरकार पाठि जाऊला बेले सांसद माने जदि संसद में उपस्थित रहिबे नाही संसद जो अनेक गुड़े गुरुत्वपूर्ण प्रसंग में निज मत रखे ना तेनाली किभली ढंग से सांधानिक परंपरा रही सीधा साल प्रधानमंत्री गोटे मेसेज देखते खास कर निज दल सांसद मानक ये गोटे कड़ा मेसेज जाती जे जदि निजक परिवर्तन न करिवे तमे आगामी दिन रे सरकार बाध्य होबे कोनोसी गुटे कार्यानुष्ठान आनिया पई अध्यादेश आनिया पई के आवश्यक पड़े बिल मध्ये अणा जीव केकिना परंपरा जदि अक्षुण्ण रहिया पई तनो आवश्यक पड़े कड़ा नियम मध्ये आनिब तेणु अनेक समय आम मध्ये देखिछु प्रताप षडंगी कहतु बा अनेक सांसद कहतु मंत्री कहतु सेमाने गुटे मेसेज दियंती विरोधी मानंकु जे नो वर्क नो पे सेई सिस्टम होय त निज सांसद मानक क्षेत्र रे प्रधानमंत्री लागू कर दे पारंती जे जदि सांसद मारे संसद माने संसद माने जदि उपस्थित न रहिबे त निश्चित भाबे होय त नो वर्क नो पे सिस्टम लागू कर दे जाय पारे त निश्चित भाबे देखिबे संसद रो अनेक समय आमे देखिछु जेतेबेले कोविड समय रे मध्ये राति 12टा पर्यंत लोकसभा रे आलोचना हला केवल निज निज दल रो जो टीएमसी कोंतु बीजेडी कोंतु बा अनेक आंचलिक दल कोंतु सेमानकर जो संसदीय दल रो नेता मान रहिछन्ति सेमाने ही केवल उपस्थित छले बाकी अन्य कोनोसी सांसद जेमानंकु कहिबार व्यवस्था नथिला बा सेमानंकु सुजोग न मिलिथिला सेमाने आलोचना रे अंतग्रहण न करी घरकु फेर जाउछन्ति बाकी व्यक्तिगत कारण दर्शाउछि निजर पार्टी चीफ को तेणु ये गोटे निश्चित भाव कोटना कोटि खराब मेसेज जाउछि जेतेबेले आमे मते देखुछु संसद टीवी रे गतकाली मध्ये आमे देखिछु जेतेबेले आफ्टरनून परे जेतेबेले 3टा परे जेतेबेले लोकसभा चलला सेतेबेले जेतेबेले कहुथिले सुरेश पूजा जेतेबेले मध्ये कहुथिले निजर प्रसंग रखुथिले ता पटपट प्रधानमंत्री कड़ा संदेश देउछंती कारण निजे प्रधान सेवक जेतेबेले बिना छुटरे काम करुछंती से मध्ये आशा रखुछंती जे संसद रे जो जनप्रतिनिधि माने अछंती से माने सब बेले गृह को आसंतु। बहुत बहुत धन्यवाद गगन विश्वाल दिल्ली रु अधिक अपडेट दउथले। यापर ओडिशा को फेरिबा चिन्मय जे देखिबा ओडिशा श्रेष्ठ राज्य डोमेस्टिक डेस्टिनेशन कैटेगरी रे ओडिशा को
जब देखा जातीय पत्रिका ट्रैवल इजर इंडिया पक्षर सर्वे करशा श्रेष्ठ राज्य हो देखा प्राकृतिक सौंदर्य क्षेत्र में सेपरी मयूरभंज सर्वोत्तम ऑर्बिट डेस्टिनेशन तो कम से कम गोटे भल खबर ओडिशा कारण बारंबार आम जिते भी आलोचना करे अपराध कथा एवं नारी निर्यातना कथा ओडिशा जो देशर तालिका रही है ऊपर रही किंतु पर्यटन क्षेत्र कथा कहतु प्राकृतिक सौंदर्य कथा कहतु ये सब बड़े ओडिशार गोटे उच्चतम स्थान थाए बा परिचय सृष्टि करिछे कथा समस्त जानिछंती आमर प्राकृतिक सौंदर्य भरपूर बा परिपूर्ण रही ओडिशा जहाँ को नहीं वर्तमान जे श्रेष्ठ राज्य भाव विचार करा जाय छी जे ओडिशा होची श्रेष्ठ राज्य जो कि जदि आपण आसुछंती एठी फॉरेनर किंबा जदि टूरिस्ट प्लेस हिसाब से निया जाउछी ताले मयूरभंज सर्वोत्तम ऑर्बिट डेस्टिनेशन हिसाब से मध्य निया जाउछी कमलाकांत रंजन दास मयूरभंज प्रतिनिधि चिन्मय आम सहित जोड़े सारिछंती रंजन मयूरभंज सर्वोत्तम ऑर्बिट डेस्टिनेशन गोटे खुशी कथा मयूरभंज वासी निश्चित पक्षे कमलाकांत देखो ये गोटे हाँ निश्चित कमलाकांत ये गोटे देखो ये गोटे बहुत भल कथा गोटे ओडिशा को गोटे बहुत भल मेसेज आमती विभिन्न क्षेत्र में जमी कड़शार दुर्नाम आसूला तेज यो आज जो खबर टी प्रकाशित होती खबर टी निश्चय ओडिशा शुभंकर हो पारे आड़शा भितर जदि कहुए मयूरभंज जमती अच्छे मयूरभंज देखूँ मयूरभंज ये गोटे हूँ पर्यटकों पर बहुत सुंदर आकर्षण क्षेत्र एठार विभिन्न प्रकार रही जो बारिपदा सहर ठारू आम जब आरंभ करवा मयूरभंजर तमाम अंचल को जब आम नजर पकेबा एठार पर्यटन क्षेत्र में जमी जो भ्रमण में जो विभिन्न देशर नागरिकों कथा कह जोबले आम राज्य विभिन्न राज्य बाहर जो पर्यटक मैंने विभिन्न जगह एठार बहुत आनंद उपभोग करमी शिमिलीपाल रही है सबुज बनानी 27,2750 वर्ग किलोमीटर व्यापी सबुज बनानी रही जल उत्स सब रही विभिन्न प्रकार आकर्षण क्षेत्र रही जो पर्यटक मैंने भरपूर आनंद नहीं था रात्रि रहणी व्यवस्था रही जमती कि आम कहीपर जो अच्छी विभिन्न जगह देवकुंड अच्छी भीमकुंड रही विभिन्न जगह जल उत्सव गुड़िक रही लोक मैंने विभिन्न समय आसता जमीक कह जाए जितने पर्यटन ऋतु आरंभ हुए से समय अधिक संख्यार लोक बहु विभिन्न राज्य आसता भरपूर आनंद नहीं था पर्याप्त परिमाण में सब सुविधा कर पर्यटक मानी ना आगे डेवलप हमारे आवश्यकता रही निश्चित पक्ष चिन्मयी देखो जो घटना रही जो मयूरभंज कथा रही मयूरभंज बहुत अनेक जगह अच्छी आहरी विकसित करी राज्य सरकार एप्रति जदि ध्यान देवे आगामी दिन में अनेक जगह अच्छी जमीक छोट छोट जगह बहुत अच्छी बर्तमान विकसित करना सेठे जो पर्यटक आसू से ही अंचल को विभिन्न जगह भ्रमण कर पारना जमी आम कहीपर जो सहर मध्य भी अच्छी देखो अंबिका मंदिर ठारूँ आरंभ कर माँ किचेक्वरी मंदिर रही मयूरभंज जिले में एठार जो कहुच्छे देवकुंड रही देवकुंड पीठ रही सेठे निकट में जो केन्द्र सरकार जो गोटे टीम आसाला सेठे जो रोपवे हबार सेठार संभावना सब ये सर्वे करके जाती खूब निकट में जो बरई पा अच्छी बरई पाठ केन्द्र तरफ जो रोपवे व्यवस्था जहाँ सब अधिक यहाँ डेवलप करहब से प्रशासन दृष्टि देव खूब शीघ्र यार काम आरंभ हो कारण पर्यटक आसिले अर्थनीति वृद्धि घटव बहुत बहुत धन्यवाद रंजन आपंकर तमाम सूचना ते कमलाकांत परवर्ती खबर पर नजर जिनमें परवर्ती खबर अछि कटक रु आसुछि फलक शोभा पाउछि प्रकल्प 11 वर्ष हो गेलानी गडखाइरु दल काढ़ 11 वर्ष लागि गेलानी मो भली जो माने देखिछंती प्रकल्प मुख्यमंत्री जेतले 2010 अगस्त 31 रे यार शुभ देथिले अनेक स्वप्न देखाइथिला झूला पोल करा जिवो नौका विहार करा जिवो किंतु सामान्य दल काढ़ 11 वर्ष लागि गेलानी जदि पचारे जो लोकाल सही से एमती प्रश्न करते जीवन काल में हे तो सेभली दृश्य देखापी पाइबे ना ना कारण जदि दल काढ़ 11 वर्ष तेज प्रकल्पर स्वप्न देखाई केत वर्ष लगे ताको बड़ प्रश्न इमरान खान रही कटक्रु इमरान दल काढ़ 11 वर्ष आउ केत वर्ष लगे जहाँ सब स्वप्न देखाई थे मुख्यमंत्री देखो तो कमलाकांत वर्तमान जदि आप देखिए गड़खाई ना जिते बड़े आम कहू जिते बड़े आम खबर प्रसारण करके हिसाब से आम भितर गोटे गोटे गर्व अनुभव हुए आम कटक सहर में गोटे ऐतिह्य जिनस ऐतिह्य कृति एवं भी कटक सहर रही कि सबु दुख लगे जिते बड़े गत 11 वर्ष होगा केवल दल काढ़ समय गड़ला जेहेतु अगस्त 31, 2010 मसीह मुख्यमंत्री नवीन पटनायक निजे आसी शुभ दे पुनरुद्धार करने से योजना आरंभ करते दल सफा हम सी नौका विहार हम झूला पोल हम
ଏବଂ ସେଠି ତାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ମଧ୍ୟ କରାଯିବ, କିନ୍ତୁ ତାହା କେବଳ ଘୋଷଣାରେ ରହିଯାଇଛି, କେବଳ ଫଳକରେ ରହିଯାଇଛି, ପାଖାପାଖି 11 ବର୍ଷ ବିତିଗଲାଣି, ଏବେ ବି କେବଳ ଦଳ କଢା ହଉଛି। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ସେ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଏବେ ଯଦି ଯିବେ, କାହିଁକିନା ଆମେ ବାରମ୍ବାର ସେ ଗଡ଼ଖାଇର ସ୍ଥିତିକୁ ନେଇକି ଆମେ ଖବର ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସମୟରେ ପ୍ରସାରଣ କରିଛୁ। ସେ ଖବର ପ୍ରସାରଣ ହେବା ପରେ କିଛି ମାତ୍ରାରେ କେବଳ ଆସନ୍ତି, କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଦଳ କେବଳ ସଫା କରିଦିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାକି ଯାହାକୁ ଅବସ୍ଥା ସେୟା ହେଇକି ରହିଥାଏ। ଏବଂ ଏଥିରେ ପାଖାପାଖି ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେତେବେଳେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶୁଭ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଏଥିରେ କେନ୍ଦ୍ର ଅର୍ବାନ ଯୋଉ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଗୋଟେ ରହିଥିଲା ସେଥିରୁ ପାଖାପାଖି 17 କୋଟି ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଏହାର ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ, ଏହାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ କରିବା ପାଇଁ। ଏବଂ ଏଥିରେ ପାଖାପାଖି 10 କୋଟି ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇସାରିଛି। କଣ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସ୍ଥିତି ଆପଣ ଦେଖି ଜଣାପଡ଼ିବ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଅଳ୍ପ ମାତ୍ରାରେ କେବଳ ଦଳ କଳା ହେଉଛି ଏବଂ ବାକି ଯାହାକୁ ସେୟା ରହିଛି। ଏବଂ ଅନ୍ୟପଟେ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଦୁର୍ଗ କଥା ଆପଣ କଟକ ସହର ଭିତରେ ଦେଖିବେ, ଯେହେତୁ ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଏସ୍ଆଇ ଅଣ୍ଡରରେ ଦିଆଯାଇଛି, ଏଏସ୍ଆଇ ଅଣ୍ଡରରେ ସେଟା ରହିଛି, ଅଧୀନ ରହିଛି ଏବଂ ସେ ତାର ଯତ୍ନ ମଧ୍ୟ ଏଏସ୍ଆଇ ନେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଥିଲା କଟକ ମହାନଗର ନିଗମ, ତାହା ଏବେ ବି କୋଟି ନା କୋଟି ତାଙ୍କର ସମନ୍ୱୟର ଅଭାବ ରହୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ଏଭଳି ଭାବରେ ଏହାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ହୋଇପାରୁନାହିଁ, ଯେହେତୁ ସେଟା ଗୋଟେ କୀର୍ତ୍ତିରାସ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଐତିହ୍ୟ କୀର୍ତ୍ତିରାସ। ସେଠି ଆପଣ ଗଙ୍ଗବଂଶ ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବଙ୍କ ବଂଶ ଯେତେ ଗଙ୍ଗବଂଶ ଥିଲା, ତାଙ୍କ ସମୟରେ ଏହି ଦୁର୍ଗର ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା। ସେଠି ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ମୋଗଲ ବଂଶ କୁହନ୍ତୁ, ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଯୋଉମାନେ ଆସୁଥିଲେ ଏଠି ଶାସନ କରିବା ପାଇଁ, ଆଫଗାନ କୁହନ୍ତୁ, ମରାଠୀ କୁହନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଶାସନ କାଳରେ ତାହା ଦୁର୍ଗ ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ତାକୁ ତାଙ୍କ ରାଜ ସେତେବେଳେ ଥିଲା ଇତିହାସ ନିହାତି ଭାବରେ ରହିଛି ସେଠାରେ। ଏବଂ ଯଦି ଦେଖିବା ସେ ଇତିହାସକୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ପ୍ରୟାସ ପାଇଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖାଯାଇଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ତାହା ପୁରା ହୋଇପାରିନି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ଇମ୍ରାନ ଖାନ୍ ଥିଲେ କଟକରୁ, ଅଧିକ ଅପଡେଟ୍ ଦେଉଥିଲେ। ତେବେ ଚିନ୍ମୟ, ସତେ ସକାଳେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ବ୍ରେକ୍ର ସମୟ ହୋଇଛି, ଏହା ପରେ ଆମ ସହିତ ଅତିଥି ଯୋଡ଼ି ହେବେ, ତେଣୁ କୁଆଡ଼େ ବି ଯାଆନ୍ତୁନି। ଆଜି ବି ଅଚଳ ହେବ କି ଗୃହ, ଥମିବାର ନା ଧରୁନି ମମିତା ଝଡ଼, ଜିଦ୍ରେ ଅଟଳ ବିରୋଧୀ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ରଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ନ ଦେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୃହ ଚଳାଇ ଦେବେନି ବିରୋଧୀ। ପୁଣି ମମିତା ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ଗୃହ ହୋଇପାରେ ସରଗରମ, ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ ସ୍ୱାଭାବିକ ହେବ କି ନାହିଁ ତା ଉପରେ ରହିବ ନଜର। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ନନ୍ଦକିଶୋର ପୃଷ୍ଟି ସାଙ୍କ ଶେଷ କୃତ୍ୟ, ପଞ୍ଚଭୂତରେ ମିଶିଲା ପାର୍ଥିବ ଶରୀର। ଯାଜପୁର ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଦିଆଗଲା ଗାର୍ଡ ଅଫ୍ ଅନର, ମୁଖାଗ୍ନି ଦେଲେ ସାନ ପୁଅ ନିରଞ୍ଜନ ପୃଷ୍ଟି, ଶେଷ ବିଦାୟ ଜଣାଇଲେ ନେତା, ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଆଉ ସାଧାରଣ ଜନତା। ମୁନ୍ ମିଶନ ପାଇଁ 10 ଜଣ ମହାକାଶଚାରୀଙ୍କ ଚୟନ, ନାସାର ମୁନ୍ ମିଶନ ରହିଛନ୍ତି ଜଣେ ଭାରତୀୟ ବଂଶୋଭବ। ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ସ୍ପେସ୍ ଏକ୍ସର ପ୍ରଥମ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ସର୍ଜନ ଭାରତୀୟ ବଂଶୋଭବ ଅନିଲ ମେନନ୍ଙ୍କ ନାଁ। 2018 ଏଲନ୍ ମସ୍କ ସ୍ପେସ୍ ଏକ୍ସରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ ଅନିଲ। ଯୁଗରେ ବି ହଜିନି ପାରମ୍ପରିକ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ରର ପ୍ରଚଳନ, ଏବେ ବି ଗାଁ ଓ ସହରରେ ତିଷ୍ଠି ରହିଛି ନାନା ରକମର ବାଜା। ବାଜା ତିଆରିକୁ ଏବେ ବି ଜୀବିକା କରିଛନ୍ତି ସମ୍ବଲପୁର କୁଚିଣ୍ଡାର ଅନେକ ପରିବାର। ଚନ୍ଦ୍ରରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା କୁଡ଼ିଆ ଆକୃତିର ଏକ ଘର, ଘର ବା ଆକୃତିଟି କ'ଣ ତାକୁ ନେଇ କଳ୍ପନା ଜଳ୍ପନା। ଅନ୍ୟ ଗ୍ରହର ଏଲିଏନ୍ସଙ୍କ କରିଛନ୍ତି କି ଏଭଳି ନିର୍ମାଣ, ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଜାରି। December 9 ଭିକି କୌଶଲ ଓ କ୍ୟାଟ୍ରିନାଙ୍କ ବାହାଘର, ରୟାଲ ୱେଡିଂ ପାଇଁ ରାଜସ୍ଥାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ, ନିଜ ପ୍ରିୟ ତାରକାଙ୍କ ୱେଡିଂ ଗେଟ୍ଅପ୍ରେ ଦେଖିବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ ପ୍ରଶଂସକ। ରାଜସ୍ଥାନର ଏକ ପୁରୁଣା ଐତିହାସିକ ଗଡ଼ରେ ରାଜା ରାଜୁଡ଼ା ଶୈଳୀରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଗ୍ଲାସ୍ ମଣ୍ଡପରେ ହେବ ବାହାଘର। ତେବେ କମଳାକାନ୍ତ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସତେଜ ସକାଳରେ ଜଣେ ଜଣେ ଅତିଥି ଥାନ୍ତି, ଆମ ଦର୍ଶକଙ୍କ ସକାଳକୁ ଆଉ ଟିକେ ସତେଜ କରନ୍ତି। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମ ସହିତ ସେମିତି ଜଣେ ଅତିଥି ରହିଛନ୍ତି, ଯିଏକି ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ। ଆଉ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି, କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଆସିଲେ ହୁଏତ ସକାଳ ଆଉ ଟିକେ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ସେ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ହେଉଛନ୍ତି ମନ୍ଦାକିନୀ ଶ୍ରେୟା, ଜଣେ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଭାବରେ ବହୁତ ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ଅନେକ ଷ୍ଟେଜ୍ ଶୋରେ ନିଜର କଣ୍ଠର ଯାଦୁ ଦେଖାଇଛନ୍ତି, ଅନେକ ରିଆଲିଟି ଶୋରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ଛୋଟବେଳୁ ଗୀତ ଗାଇବା, କ୍ୟାରିୟର କରିବାରେ ଇଚ୍ଛା ରଖି ସେ ଆଗେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଉତ୍କଳ ସଙ୍ଗୀତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଯୁକ୍ତ 3ର ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷର ଛାତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଡେରି କରିବାନି, ବିଲକୁଲ ତାଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆମର ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇବା। ତେବେ ଶ୍ରେୟା ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଆପଣଙ୍କୁ ସତେଜ ସକାଳକୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇବୁ, କେମିତି ଲାଗୁଛି ସତେଜ ସକାଳର ଅତିଥି ହୋଇ? ନମସ୍କାର, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଆଣ୍ଡ ମୁଁ ବହୁତ ବ୍ଲେସ୍ ବି ଫିଲ୍ କରୁଛି କି ଠାକୁରଙ୍କ ଦୟାରେ ମୁଁ ଆଜି ଏଠି ପହଞ୍ଚି ପାରିଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ମୋତେ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିବା। ବିଲକୁଲ, ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ, ଆପଣଙ୍କର ମୂଲ୍ୟବାନ ସମୟ ଦେଲେ, ଆମ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓକୁ ଆସିଲେ।
गोटे सुंदर गीत शुणा चाहिए से जेहेतु भगवान ना रू प्रथम आप शो आरंभ कर सुंदर गीतटे निहाती भाव में मो ठाकुर अनुकूल चंद्र देखित तो धरी मुझे एत जाए चलती आग को भी चलि तेरे गीत रु तुम बीनु प्रभु बंचिबार मानी तुम बीनु प्रभु बंचिबार मानी बुझे नहीं बुझे नहीं बुझे नहीं बंची मु रही तुमको नहीं बंची बाटा सीना आनंद खूब सुंदर लगला गीत चमत्कार थिला वॉइस रे जादू अच्छी आउ पूरा सतरे माने पूरा दिल को छुची हाँ निहाती भाव रे तबे मैडम ये गीतर जो जर्नीटा आप केबे स्टार्ट कले गीतर जर्नी बोधे मुझे जबठ जन्म हो मु गीत शुणुची कहीं आम फुल फैमिली ही टोटल म्यूजिक उपरे डिपेंड करुची भाई प्रथम गीत गाला से कालकाटे शिखुला जाके तो मुझे मोर जब ज्ञान पड़ी मुझे शुणी शुनी शुनी मुझे शिखा आरंभ करें भुवनेश्वर आसलु भुवनेश्वर आसला परे मु रहुथिली सिंगर सुभाष दास जे कि मोर आद्य गुरु जहाँ मुझे गाँव घरे आम रोलु तो सार सब प्रति रविवार आसती क्लास करने क्लास रे बाबा मुझे सब दुआर बंधे बसु बसिकी शुणु 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 सार दिने अचानक डाकिले कहले सब कहीं से बस आसिक भितर बस टे गा तो सारंक पाखे मुझे शुणे कि जेहेतु भाई गीत गाला बाबा को भी टिके टिके नॉलेज अच्छी घरे हारमोनियम थाए तो डेली संध्या बेले मोर प्रैक्टिस गड़ाए सारे शुणी शुणी तो सार जो मतलब अचानक डाक बसइले तो मुझे कहली सार मुझे हारमोनियम बजे गाय तो हारमोनियम बजे गाई पर ही मोर गीत शिखा गीत गाइबा आरंभ हो श्रेय मैडम अनेक समय कमलाकांत आपत जानते एक कथा कह जाए जे गीत जी गाइब तार गोटे सुंदर भयस दरकार तो सुंदर भयस सांग को निजर इच्छा शक्ति थिबा दरकार ना केवल जदि इच्छा शक्ति अच्छे जेकोसी भयस भी हौ आप गोटे सेप दे कि गीत गाईपर सुंदर भयस थिबा ठीक किछि नै माने भगवान हमको भयस दे आम प्रपर वे रे यूटिलाइज करिवार अछि आमे जदि सिखिथिबा जानिथिबा से फॉर्म रे हमें जे जेमिति भी वॉइस हो तामे ताको हमें गढ़ी परिवा किछ असुविधा आपन को वॉइस भी सुंदर आपन भलो भी गाउ छथि त दुटा को आपन पखरे अछि तबे आपन जेतले कहले जे छोटे बुला आपन को इच्छा थिला आपन जो रही छथि वरिष्ठ हमर कंठशिल्पी सुभाष दास तांको पखर मध्ये सिखि छथि किंतु विधिवत भाबे केबे ठारु शिक्षा ग्रहण करले वर्तमान भी आपन सिखु छथि तबे विधिवत भाबे केबे ठु आपन शिक्षा ग्रहण करले विधिवधारे ही चल शिखुली मोर गुरु गुरु श्री रजनीकांत पाढ़ी विजयनंद नायक लाइट भी शिखी मु लाइट वोकल ट्रेनिंग शारदा प्रसन्न साहू सर पाखे शिखुली एबे तो उत्कल संगीत महाविद्यालय चंदन कुमार जेना सर और विमलेन्दु आचार्य सर पाखे अच्छा श्रेय मैडम जानवापी चाहिए जो गीत आम शुणु आम जाचु ये गोटे एक्सट्रा करिकुलर आक्टिविट जमी पे कहते जे किए डांस कर किए गीत गाइब कहार खेल प्रिय अच्छी सब अच्छी किंतु या गोटे एजुकेशन या डिग्री हासिल करवा ये निहाती समस्त को प्राय लोक आश्चर्य करूँ जो कथा कहले जी आप उत्कल संगीत विश्वविद्यालय वर्तमान प्लस थ्री द्वितीय वर्ष पाठ पढ़ु गीत शिक्षा संघ को केमती कौन कोर्स से थाए जी आपन को अन्य को दिग्गे भी नजर देवाई पड़े से सब पढ़ा जाए ना कौन केमती थाए सब आप जो कोर्सेस गुड़ाक फर्स्ट तो कहबी जमीती समस्त घर प्राय थाए कि पाठटा को गुरुत्व दिंती करिकुलर मान एक्टिविटा सैड्रे थाए कि आम घर तार उल्टा मानने पिला बेलू ही समस्त मानने म्यूजिक को आग दिखाई पाठ को सैड्रे रखाई पाठ मैंने स्कूल लाइफ बिल्कुल एंजय ही करनी स्कूल लाइफ कौन मुझे जानी मुझे खाली जाए केवल एग्जाम देवाई
तापरे आम उत्कल संगीत महाविद्यालय कह कले मोर लक्ष्य थिला कि मु दिने सेठी पढ़ी बोली एंड ठाकुर आशीर्वाद रे मु सेठी पढ़ी पढ़ुची भी एवं आ सेठी से माहौल तो गोटे अलग एंट्री कला माने सी जिते बड़ दुष्ट प्रकृतिर लोक हो ता माइंड चेंज हम टी हम कि सहित भी आम जनरल सब्जेक्ट अच्छे सेठी जमीती हिस्ट्री वीएस पॉलिटिकल साइंस इंग्लिश ओडिया संस्कृत आपने पढ़ी आपण सेठी पॉलिटिकल साइंस भी पढ़ुंट छोट संगीत दुनिया कहले भी भूल हेनी तेज मुझे तो टेक्निकल जाननी कितनी गीत को भल पाए तेणु आउ गोटे गीत एत सुरीला मैडम आम पाखे अच्छा तेणु कंठ गोटे गीत शुणा आधुनिक बोल ना केवल भजन ना ना सब गोटे आधुनिक आधुनिक गजल हाय मर जाएंगे हम तो लुट जाएंगे हाय मर जाएंगे हम तो लुट जाएंगे ऐसे बातें किया ना करो आज जाने की सद ना करो आज जाने की सद ना करो यूं ही पहलू में बैठे रहो यूं ही पहलू में बैठे रहो आज जाने की जिद ना करो खूब सुंदर थिला चमत्कार ये गोटे वार्ड खाली कहवा किसी कहबर आवश्यकता नहीं तबे मत लगुला आम गोटे को नेशनल चैनल रे बस कि जो रियलिटी शो सब चले तार गीत मुझे शुणी आपण भी भाग नहीं सफलता मिली मो प्रार्थना भक्तिर स्वर रे थिली सीजन वन जो स्टार्ट होता एंड बोधे सेटा से माने भी जान ना मोर असलियतटा कौन थी कि आज कहूँ मुटा सीनियर मानकर कंपिटिशन थिला बट मुझे एट क्लास पढ़ुली एंड मुझ जा नी कि मो कंपिटिशन रे भाग ने जन दीदी सहित जाइली से बुलाई तो एत भिड़ लगी था जेहेतु शिखुची गाँची तो मुँह भी कंट्रोल करें बाबा था सागर मुझे कहली बाबा मुझे नहीं था मैंने बिलीव करें मानने मो सान बाबा कहले फर्म फिलअप करदे करदेली डिपोजिट कर मो सान दुईज मानने बहुत बयस देख लगू था कि सर्टिफिकेट नाला काढ़ीदे कि मो ठाकुर नाम करू था खाली मनरे मनरे कि मोर हो तो ठाकुर आशीर्वाद से दीज बाहरी गले कि मोर मानने किसी मत मगे मो फॉर्म देली एपटे है पुणी सेपट को पलैला दीटा जगार मोर एंट्री होगा मुझे गोटे जगार ऑडिशन दे कि टिकेट धरिक बाहर आउ गोटे जगार मो ना डका तो सेट गोटे मिराकल टाइप रहा से आमर मो गुरुजी सुभाष दास सर सी भी थे जज कि सी जान ना मुझे दबाक जा बिकज मुझे दबाक ही जा नी मेगा ऑडिशन रे जत्ते बड़े सार मत देखिले सार कहले तू कौन एटी मुझे कहली सार पकईदी तो पाई सार कहले तत कहीं पचार ना तो सर्टिफिकेट कथा मुझे कहली ना सर कहीं पचार ना तो हेगलापर चली चाली पूरा टफ सिक्स फाइनाल राउंड रही बस ग्रैंड फिनाले को जापारे वन वे रे ठीक है जो से मागिदी तेल फसी जाती ठीक अच्छे जहा हो किंतु रियलिटी शो को जाइछंती गुटे साहस मन रे रहिछि निजो उपरे विश्वास भी अच्छे हाँ आगो को बहुत लाइन अच्छे एवं को सुजोग मध्ये अच्छे आपन को पाखरे जे आपन पूरी रियलिटी शो को जिबे भाग नेबे एवं सक्सेस मध्ये पाइबे परवर्ती समय रे आसीबो आपन सहित आहुरी अनेक कथा आबा एवं गीत मध्ये सुनिया किंतु छोटो ब्रेक परे जय
ବ୍ରେକ୍ ପରେ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ୱାଗତ। ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ମନ୍ଦାକିନୀ ଶ୍ରେୟା, ବହୁତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଥା କହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଗୀତ ବି ଗାଉଛନ୍ତି। ତେବେ ମନ୍ଦାକିନୀ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଯେ ଆପଣ ଆଗକୁ ଏଇ ସଙ୍ଗୀତକୁ ନେଇକି କ୍ୟାରିୟର କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନା କ'ଣ ସବୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ ରଖିଛନ୍ତି ଲାଇଫ୍ରେ? ଟାର୍ଗେଟ୍ ଗୋଟେ ହିଁ, ସଙ୍ଗୀତରେ ରହିବାର ଅଛି, ଠାକୁରଙ୍କ ଧରି ଚାଲିବାର ଅଛି। ଆପଣ ଲାଇଭ୍ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ବି କରିଥିବେ, ରିଆଲିଟି ଶୋ କଥା ବି ଆମକୁ କହୁଥିଲେ, ଖୁଲାସା କରିଦେଲେ, ତାପରେ ରେଡ଼ିଓରେ ବି ଆପଣ ଗାଆନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ରେଡ଼ିଓରେ 2015 ପାଇଥିଲି, ବସ୍ ସେବେଠୁ ଚାଲିଛି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆପଣ ଯେହେତୁ ଚିନ୍ମୟ, ଯେଉଁମାନେ ଖାସ କରିକି ସିଙ୍ଗର ମାନେ ଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନେ ନିହାତି ସଦାବେଳେ ଫର୍ମାଇଜ୍ କରନ୍ତି ଯେ ଏ ଗୀତ ଗାଇଦେ, ସେ ଗୀତ ଗାଇଦେ, ତ ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁମାନେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କେମିତି କ'ଣ ଆପଣ ଯେଉଁ ଗୀତ ଗାଆନ୍ତି ସେମାନେ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି, ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତି, କେମିତି କ'ଣ ରିଆକ୍ସନ୍ ସବୁ ଥାଏ ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି? ମାନେ ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ ବେଶୀ ନାହାନ୍ତି, ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ସାଙ୍ଗ ବେଶୀ ଚୁପଚାପ। ସେଥିପାଇଁ ଚୁପଚାପ ନାହିଁ, ମୁଁ ଟିକେ ରୁହେ ସାଇଡ଼୍ ହେଇକି, ତ ଯିଏ ମିଶିଲା ମୁଁ ତା ସହିତ ମିଶିଲି, ନହେଲେ ମୋ ସହିତ କାହା ସହିତ ମତଲବ ନାହିଁ। ମୋତେ ଟାଇମ୍ କାହାକୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦେଇପାରେନି, ଯେହେତୁ ସକାଳୁ ଉଠିକି ଠାକୁରଙ୍କ କାମରେ ହିଁ ଲାଗେ, ତାପରେ ସେଇ ଭଜନ ଚାଲିଲା, ଗୀତ ଚାଲିଲା, ତାପରେ କଲେଜ, କଲେଜରୁ ଆସିଲେ ପୁଣି ସେଇ ଗୀତ, ଠାକୁରଙ୍କର ଲାଇଭ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ ଚାଲିଛି। ଆଚ୍ଛା, କେବେ ଏମିତି ମନେ ହୁଏନି ଯେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଯେମିତି ଗେଟ୍ ଟୁଗେଦର ହେଉଛନ୍ତି, ଗ୍ୟାଦରିଂ ହେଉଛନ୍ତି, ମସ୍ତି କରୁଛନ୍ତି, ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ସେମିତି କେବେ ମୋତେ ବି ଲାଇଫ୍ ମିଳୁ, ସେବେ କେମିତି ଇଚ୍ଛା ହୁଏନି? ଇଚ୍ଛା ମଝିରେ ମଝିରେ ହୁଏ, ତାକୁ ଚାପି ଦିଏ ପୁରା ଭଜନ ଭଜନ ଠାକୁର ସଙ୍ଗୀତ, ଏଇଟା ଏଇ ତିନିଟା ୱାର୍ଡ଼ ମୁଁ ଜାଣିଗଲି ମନ୍ଦାକିନୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କର। ତେବେ ଡେରି କରିବାନି, କାରଣ ଆଉ ଗୋଟେ ଭଜନ ନିହାତି ସେ ବହୁତ ଗୋଟେ ଭାବିକି ଆସିଛି, ଆମେ ବି ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଆଉ ଦର୍ଶକମାନେ ବି ନିହାତି ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବେ, ଆଉ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଭଜନ ହେଇଯାଏ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଭଜନ ହିଁ ଲାଗୁଛି ମୋତେ। ପ୍ରିୟ ଭଜନ ତ ସବୁ ଗାଇପାରନ୍ତି, ସେଇଟା ଆମେ ଦେଖିସାରିଲୁଣି, କିନ୍ତୁ ଲାଗିଛି ଭଜନ ଉପରେ ବଳାଇଛି। ଓକେ, ତ ମୋ ନିଜ କମ୍ପୋଜ୍ ଗୋଟେ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି ତାକୁ କରିବା ପାଇଁ। ଯେ ଦିନ ହୋଇଛ ଏ ଜୀବନେ ପ୍ରଭୁ, ପଥ ହରା ପାଇଁ ପଥଟି, ଯେ ଦିନ ହୋଇଛ ଏ ଜୀବନେ ପ୍ରଭୁ, ପଥ ହରା ପାଇଁ ପଥଟି, ସେ ଦିନ ହୋଇଛି ଏ ମୋର ଜୀବନ, ସେ ଦିନ ହୋଇଛି ଏ ମୋର ହୃଦୟ, ତୁମ ପାଇଁ ପୂଜା ଫୁଲଟି ଫୁଲଟି, ଯେ ଦିନ ହୋଇଛ ଏ ଜୀବନେ ପ୍ରଭୁ, ପଥ ହରା ପାଇଁ ପଥଟି। ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା ଆପଣଙ୍କ କମ୍ପୋଜ୍, କିନ୍ତୁ ମନ୍ଦାକିନୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ କଥା କହୁଛନ୍ତି ପୁରା ଚିପି ଚିପି ଧୀରେ ଧୀରେ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ପାଟିରୁ କଥା ବାହାରୁନି, କିନ୍ତୁ ଗୀତ ଯେତେବେଳେ ଗାଉଛନ୍ତି ପୁରା ସୁର ଟପ୍ରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚୁଛି, କେମିତି ଏଇଟା ପସିବଲ୍ ହେଉଛି? କଥା ଗାଇଲା ବେଳେ ଏନର୍ଜିଟା ବଞ୍ଚେଇକି ରଖୁଛି, ଗୀତ ଗାଇଲା ବେଳେ ୟୁଜ୍ କରୁଛି। ୱା, ଭେରି ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ୍ ନା, ସୋ ସ୍ମାର୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ବି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଥା ଯେ ମାନେ ପୁରା ନିଜକୁ ସେ ସମର୍ପି ଦେଇଛନ୍ତି ଗୀତ ପାଇଁ ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଲା ଆପଣଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା, ଆଉ ଗୋଟେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଲାଇଫ୍ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆପଣ ସବୁବେଳେ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ହଁ, ମୁଁ ଯେତିକି ପସନ୍ଦ କରେ ନା, ବାବା ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ନିଜକୁ ଏମିତି କରିଛନ୍ତି। ଆପଣ କହିଲେ ଯେ ଆପଣ ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଦୀକ୍ଷା ଦୀକ୍ଷିତ ହୋଇଛନ୍ତି ସେଥିରେ, ତ ମୁଁ ଯେତିକି ଜାଣିଛି ବହୁ ସମୟରେ ସତ୍ସଙ୍ଗର ଆୟୋଜନ କରାଯାଏ ଯେଉଁମାନେ ଦୀକ୍ଷିତ ଥାନ୍ତି, ତେବେ ସେଇଟା ତ ଆପଣ ନିହାତି କରୁଥିବେ, ତେବେ ସେମିତି କିଛି ଅନୁଭୂତି ରହିଛି ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ନେଇକି, ଯେହେତୁ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଦୀକ୍ଷିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେମିତି କିଛି ଅନୁଭୂତି ରହିଛି ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ? ବହୁତ ସାରା ରହିଛି, ଆଜି ଯାଏଁ ତ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇନି ଲାଇଫ୍, ବଟ୍ ୟା ଭିତରେ ବି ବହୁତ ସାରା ହେଇଛି, ଯେମିତିକି ଗୋଟେ କହିଲି ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମର ଭକ୍ତିର ସ୍ୱର କଥା, ସେମିତି ଗୋଟେ ହେଇଥିଲା ରେଡ଼ିଓ ଅଡ଼ିସନ୍ ଟାଇମ୍ରେ, ମାନେ ମୁଁ ରେଡ଼ିଓ ଅଡ଼ିସନ୍ ପାଇଁ ଫର୍ମ ପକାଇ ଦେଇଛି, ବଟ୍ ଯେଉଁଦିନ ଅଡ଼ିସନ୍ ତା ପୂର୍ବ ଦିନ ରାତିରେ ମୋତେ 108 ଜ୍ୱର, ମୁଁ ମିନ୍ସ କିଛି ଚାଲିପାରୁନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ବାବା ମୋତେ ବାର ବାର ଖାଲି ପଚାରୁଛନ୍ତି ତୁ ଯିବୁ ନା କ୍ୟାନସଲ୍ କରିଦେବା, ଗାଡ଼ି ମନା କରିଦେବା, କହିଲେ ନା ଯିବି, ତାପରେ ଗୋଳା ପକା ହେଲା, ଯିବି ନା ଯିବିନି, ଆମ ଚୁଇଁଟା ଅଛି ତାକୁ ଦେଇକି ପକା ହେଲା, ତ ଉଠିଲା ମୁଁ ଯିବି ବୋଲି, ତ ଯିବି ଗଲି,
ମାନେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲିଣି ବଟ୍ ମୁଁ ଗାଇବା ପରିସ୍ଥିତିରେ ନାହିଁ, ରିହର୍ସାଲ୍ କରିପାରିଲିନି। ବଟ୍ ଯାଇକି ଯେତେବେଳେ ରୁମ୍ରେ ବସିଲି ଅଡିସନ୍ ଦେବି, ଗାଇଲି। ମୁଁ କେମିତି ଗାଇଛି ମୁଁ ଜାଣିନି। ବାହାରକୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ମୋର ପୁରା ଟେମ୍ପରେଚର୍ ପୁରା ଜିରୋ ଥିଲା। ତ ସେଥିରେ ତାପରେ କିଛି ଦିନ ସପ୍ତାହେ ଖଣ୍ଡେ ପରେ ମୋତେ ଲେଟର୍ ଆସିଗଲା କି ମୁଁ ପାସ୍ କରିଯାଇଛି ବୋଲି। ସତରେ ମାନେ କୁହନ୍ତି ଯେ ବିଶ୍ୱାସରେ ହିଁ ଭଗବାନ, ଆଉ ସେ ବିଶ୍ୱାସ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ଥିଲା ଭଗବାନଙ୍କର ଅନୁଭୂତି ମଧ୍ୟ ସେ ପାଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଆଜି ମାନେ ଗୀତରେ ଆଜି ଏ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି। ଆଗକୁ କ'ଣ ସ୍ୱପ୍ନ ଅଛି? ବାସ୍ ଗୀତ ହିଁ ଗୀତ, ଆଉ କିଛି ସ୍ୱପ୍ନ। ଆଚ୍ଛା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କିଛି ଅଫର୍ ଆସିଲାଣି ଆପଣଙ୍କୁ ଯେ କୌଣସି ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁ ହଉ କିମ୍ବା ଫିଲ୍ମ ପାଇଁ କିଛି ଅଫର୍ ଆସିଛି? ଅଫର୍ ଆସିଛି, ବଟ୍ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଲାଇଫ୍ରେ ଚାଲିଛି ତେଣୁ ସେଥିରୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ହେବା ପାଇଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ହେବାକୁ ତାପରେ ଯାଇକି ହଁ ପୁରା ଆପ୍ରୁଭ୍ ହେବ ମାନେ କ'ଣ କେମିତି। ତ ମୁଁ ଚାହେଁନି ଯେ ଯେହେତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଏ ଲାଇନ୍ରେ ଅଛି ତ ମୋତେ ନେଇକି କିଏ ଅଲଗା କିଛି କହୁ, କିଛି ଏମିତି ମୁଁ ଗୀତ ଗାଇଦିଏ, କାହିଁକିନା ମୋର କ୍ୟାରିୟର୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି ଏବେ। ତ ମୁଁ ଯଦି ଭଲ ୱେରେ ତାକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବି ଦେନ୍ ମୋର ଭବିଷ୍ୟତ ବି ଭଲରେ ଯିବ। ଆଉ ଯଦି ମୁଁ ନିଜେ ଜାଣିଶୁଣିକା ରାତାରାତି ହାଇଲାଇଟ୍ ହେବା ପାଇଁ ଯଦି ମୁଁ ଅଲଗା ଗୀତ ଗାଉଛି ଦେନ୍ ମୋର ସାଧନାକୁ ପୁରା ସାଧନା ପୁରା ସକ୍ସେସ୍ ହେବ, ପୁରା ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିବେ, ତାପରେ ଯାଇ ପୁରା ପରଫର୍ମ ଦେଖେଇବେ ଏବଂ ଜଲବା ଦେଖେଇବେ ନା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। କିନ୍ତୁ ଆଜିର ଦୁନିଆରେ ବା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୋସାଇଟିରେ ଆଗରୁ ଗୋଟେ କଥା ଥିଲା ଯେ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଥିଲା ସେମାନଙ୍କୁ ସେତିକି ସ୍କୋପ୍ ମିଳୁନଥିଲା, ସେତିକି ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ମିଳୁନଥିଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ନିଜ ଅନେକ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଭିତରେ ରହିଯାଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଯେଉଁଦିନଠୁ ଆସିଲା, ଖାସ କରି ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ଯେବେଠୁ ଆସିଲା, ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ଅଛି, କ୍ୟାମେରା ଅଛି, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଆପଣଙ୍କର ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟକୁ ରେକର୍ଡ଼ କଲେ ଆଉ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଅପଲୋଡ଼ କଲେ ଏବଂ ରାତାରାତି ଷ୍ଟାର୍ ବନିଲେ, ୟାକୁ କେମିତି ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି? ୟାକୁ ବି ପଜିଟିଭ୍ ୱେରେ ହିଁ ଗ୍ରହଣ କରେ। ବାକି ଲକଡାଉନରେ ଯେମିତି ସମସ୍ତେ, ଏବେ ତ ସବୁ ୟୁଟ୍ୟୁବର, ମୁଁ ବି ଜଣେ ୟୁଟ୍ୟୁବର, ମୁଁ କାହିଁ ମନା କରିବି, ବଟ୍ ସମସ୍ତେ ଟିକେ ଅଲଗା ଲାଇନ୍ରେ ଚାଲିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଟିକେ ଅଲଗା ଲାଇନ୍ରେ ଚାଲିଛି। ମୁଁ ରାମଚରିତ ମାନସ କରୁଛି, ଦେନ୍ ଭଜନ ହଉ, ଠାକୁରଙ୍କ ଭଜନ ହଉ, ଅଲଗା ଆଧୁନିକ ଗୀତ ବି କରୁଛି, ବଟ୍ ୟା ଅପେକ୍ଷା ସେଟା ଟିକେ କମ୍ ଅଛି, ଟିକେ ଚୁଜି। ପୁରା ଭଲ ଗୀତ ହେଲେ ହିଁ ଗାଉଛନ୍ତି। ତେବେ ମନ୍ଦାକିନୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କର ପ୍ରିୟ ସବୁ ଗୀତିକାର କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ସମସ୍ତେ କି? କାରଣ ଏଇଟା ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ସବୁକିଛି ଚୁଜି ତ ସେମିତି ଆମେ କିଛି ନାଁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ପାଇବୁ କଥା ନିଶ୍ଚିତ। ମୋର ଯିଏ ଜାନ ଗୀତରେ ହେଉଛନ୍ତି ବିଦୁଷୀ ଶ୍ରୀମତୀ କୌଶିକୀ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ, ଯିଏକି ଅଜୟ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀଜୀଙ୍କର ଝିଅ, ଆଣ୍ଡ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା ପରେ ତାଙ୍କଠୁ ଏଇ ଲକଡାଉନରେ ମୁଁ ଅନଲାଇନ୍ରେ ମାଷ୍ଟର୍ କ୍ଲାସ୍ ବି ନେଉଥିଲି। ଦେନ୍ ଆଶାଜୀ, ରିଚା ଶର୍ମା, ସୁଫିରେ, ଓଡ଼ିଆରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ନିଜ ଗୁରୁ ସୁଭାଷ ଦାସ ସାର୍ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଗୁରୁ, କାହିଁକିନା ମାନେ ଏବେ ଯେମିତି ବି ଗାଉଛନ୍ତି ଅସୀମା ଦିଦି କୁହନ୍ତୁ କି ଅନ୍ତରା ଦିଦି କୁହନ୍ତୁ, ଏମାନଙ୍କଠୁ ବି ବହୁତ କିଛି ଶିଖିବାକୁ ମିଳେ। ବିକଜ୍ ଯାହା ପାଖରେ ନା ଯାହା ପାଖରେ ଦେଖିବେ ଯିଏ ବି ଗାଉଛି ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଅଛି ଆଣ୍ଡ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଫ୍ଲେଭର ମିଳୁଛି। ତ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା ରହିଛି କି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରୁ କିଛି ନା କିଛି ଶିଖିବା। ତାହେଲେ ଆଶା ଭୋସଲେଙ୍କର ଗୋଟେ ଗଜଲ ଶୁଣିବା। ଗଜଲ ଆଜ ଜାନେ କି ଜିଦ୍ ଯେଉଁଟା ଗାଇଲି ସେଟା ତ ତାଙ୍କରି ଭର୍ସନ୍ଟା ଗାଇଲି, ବଟ୍ ଫିର୍ ବି ଦିଲ୍ ଚିଜ୍ କ୍ୟା ହେ ତାଙ୍କର ଗଜଲ। ଦିଲ୍ ଚିଜ୍ କ୍ୟା ହେ ଆପ ମେରି ଜାନ ଲିଜିଏ, ଦିଲ୍ ଚିଜ୍ କ୍ୟା ହେ ଆପ ମେରି ଜାନ ଲିଜିଏ, ବସ ଏକ ବାର ମେରା କହା ମାନ ଲିଜିଏ, ବସ ଏକ ବାର ମେରା କହା ମାନ ଲିଜିଏ, ଦିଲ୍ ଚିଜ୍ କ୍ୟା ହେ ଆପ ମେରି ଜାନ ଲିଜିଏ। ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର, ସବୁ ଗୀତ ତ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଆଉ ଅଧିକ କ'ଣ କହିବା। ତେବେ ଆପଣ କମ୍ କଥା କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ମୁଁ ନିହାତି ଚାହିଁବି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଯିଏ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସପୋର୍ଟ ଘରେ ପରିବାର
खास करके बापा कथा जी आम जहाँ शुणुलु तेज किसी मेसेज कहना चाहिए आज टी सामने से तो निहाती भाव में देखुए जदि किसी कहना चाहते आप कम कथ कहु आज कि कहतु घरे केवल सपोर्ट बाबा नुहत बाबा जी माँ को भी बहुत सपोर्ट अच्छी माँ को आशीर्वाद अच्छी कहीं ना बाबा गीत गाई पारती बट बहुत वर्ष होगा धरी शुणी आसपाई मु मो नजरिया मुझे जी जन को आज पर्यटन भेटी भाया श्रोता मुझे जाए देखी से गाई की देख पारती बट कहीदेवे कौटी कौन है टी भी जदि कौन भूल से धरी पकड़े एंड माँ बट माँ पिला बेलू ही गाउले आमर एक्चुअली मदर टंग बेंगली तो माँ ओडिया एत ठीक से गाई पारती मन रखी गाई दिखती बट तर बेंगली रे बहुत नॉलेज तो बेंगली गीत से प्राय गाँव बट माँ जुलाई 14 पलैले चलीगले कोरोन तो तापर ठो बाबा ही बाबा बाबा ही माँ सबकि बाबा को कौन कह बाबा किसी कहार नहीं बाबा तो सब बड़े माने बापा माँ सब कहते पाला मन ही पढ़ी पारती आहवाप किसी शब्द ही नए आशा करूँ भगवान पाखे प्रार्थना करूँ खूब आग को जातु सफलतार पहाच चढ़ु एवं आम आपन को मध्य बड़ पर्दार देखू सम आपण सफलता नहीं आम आशा करूँ बहुत बहुत धन्यवाद आसिले आज सतेज सकाल अतिथि हेले आम दर्शकों सकाल को आउ टे सतेज कराइले खूब सुंदर गीत गाँव बहुत आग को जातु एति की भगवान पाखे प्रार्थना करिबो तेब कमलाकांत एमती प्रत्येक दिन जन जन अतिथि आसुछंती जे कि आम अति दर्शकों सकाल को आउ टे सतेज करुछंती आज मदनाकिनी मैडम थिले खूब सुंदर गीत गाइले बहुत भल लगला कि समय स्रोत आम बंधा जेहेतु समय सरी कार्यक्रम को आमको सारे पड़ो नमस्कार।